क्वेश्चन नंबर वन है, हाउ द स्पीड ऑफ ईएम वेव इन वैक्यूम इज डिटरमाइंड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपको पता हो तो आप ईएम वेव की स्पीड कैसे डिफाइन करेंगे। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला ये होता है, ई नॉट अपॉन में बी नॉट। ई नॉट क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में मैग्नेटिक फील्ड। इसी को जब आप सॉल्व करते थे तो आता था 1/√ में अंडर रूट में म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है लाइट की स्पीड। तो ये एक क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत बार मिलेगा, तो ये छोटा सा मैं चाहूंगा कि ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए जल्दी से सभी लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, इसका क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इलस्ट्रेट बाय गिविंग अ सुटेबल एग्जांपल हाउ यू कैन शो दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम बोथ। यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, कि कैसे आप एक एग्जांपल के तरीके से बताइए कि कैसे आप शो करोगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके अंदर एनर्जी भी होता है और मोमेंटम भी होता है। ठीक है, जब किसी ईएम वेव को किसी चार्ज पार्टिकल पे तुम इंसिडेंट करोगे तो वो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा? मोशन में आ जाएगा। चार्ज पार्टिकल क्या आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा। मोशन में आ गया इसका मतलब उसके पास एनर्जी आ गई, या मोशन में आ गया वेलोसिटी आ गई, इसका मतलब आप क्या कहोगे? उसके पास मोमेंटम आ गई। तो यही होगा, व्हेन ईएम वेव फॉल्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल। देखो वही बोला, ईएम वेव को जब किसी चार्ज पार्टिकल पे फॉल मतलब इंसिडेंट करते हैं, दे सेट चार्ज इनटू मोशन। वो चार्ज को क्या कर देगा? मोशन में ला देगा। ठीक है, दिस इलुस्ट्रेट दैट द ईएम वेव हैव एनर्जी एंड मोमेंटम। ये दर्शाता है कि ईएम वेव के पास क्या है? एनर्जी और मोमेंटम दोनों है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप ऐसे भी बोल सकते हो, ऐसे भी बोल सकते हो, तो लेकिन ये बेस्ट एग्जाम्पल बताने का तरीका है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये इलेक्ट क्या होता था, ईएम वेव कैसे प्रोड्यूस होता था, आपको याद है? एग्जाम्पल याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑक्सीलेट करते थे, है ना, आपस की एनर्जी को क्या करते थे? एक्सचेंज करते थे। जब एलसी ऑक्सीलेशन होती थी तो वहां से क्या निकलता था? ईएम वेव निकलता था। ऑक्सीलेट कब हो रही है? ईएम वेव निकल कब रहा है? तब चार्ज पार्टिकल मोशन में हो रहे होंगे, है ना। तभी तो इसका मतलब, अगर मोशन में है तो जाहिर सी बात है मोमेंटम है, और मोशन में है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ एनर्जी भी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी या कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, जो भी एनर्जी हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आप लोग जानते हैं, ये बार बार आया हुआ क्वेश्चन है। इन विच सिचुएशन देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट करंट बट नो कंडक्शन करंट। किस सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट करंट होता है बट कंडक्शन करंट नहीं होता? तो आपको पता है, हाँ, प्लेट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट होता है लेकिन यहाँ कंडक्शन करंट नहीं होता। जब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता रहता है तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट बनता है बट कंडक्शन करंट एबसेंट होता है ना। तो वही होगा, ड्यूरिंग द चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर लिखना चाहिए, गधा है छोड़ दिया है। ड्यूरिंग द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट करंट बट नो कंडक्शन करंट प्लेट प्लेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। जब ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा या डिस्चार्ज हो रहा होगा, मीन्स फील्ड चेंज हो रही होगी आप बोल सकते हो, या फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, इस कैपेसिटर के बीच में क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट करंट होगा बट कंडक्शन करंट नहीं हो रहा होगा। ठीक है, बताया हुआ है तो आपको एक क्वेश्चन में भी। हाँ देखो, एक क्वेश्चन आ गया इसी पे आपके पास, द चार्जिंग ऑफ क्या है भाई, द चार्जिंग करंट ऑफ अ कैपेसिटर इज कितना? 0.25 एम्पीयर। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट का मतलब? ये कंडक्शन करंट 0.25 है तो डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होगा, जल्दी बताओ। ये भी कितना होगा? 0.25 एम्पीयर। बताया था ना, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, जहां कंडक्शन करंट होगा वहां डिस्प्लेसमेंट करंट एबसेंट, और जहां डिस्प्लेसमेंट करंट होगा वहां पे कंडक्शन करंट एबसेंट। ठीक है, तो वही होगा। देखो बोल रहा क्या, द डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू द चार्जिंग करंट, चार्जिंग करंट को हम कंडक्शन करंट भी बोलते हैं, सो द डिस्प्लेसमेंट करंट इज ऑल्सो इज इक्वल टू 0.25 एम्पीयर। ठीक है, बताया था ये भी पढ़ाते समय आपको, समझाया हुआ है, कोई नया चीज नहीं है। फिर देखो क्या बोल रहा है, हाँ ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपको मैक्सिमम टाइम मिलेगा, ये किस कब आया? 2017 ना, बहुत बार ही मिलेगा। अभी देखिएगा आगे, ड्रॉ करने के लिए भी आएगा, ईएम वेव का डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आएगा। ठीक है, कैसे आएगा मैं बता देता हूँ। बोल रहा है क्या कि इन विच डायरेक्शन डू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वैक्टर ऑक्सीलेट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वेव किधर की ओर जा रहा है? वेव जा रहा है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में। ठीक है, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा? तो जाहिर सी बात है ये वाई हो जाएगा, ये जेड हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा? मान लो वाई एक्सिस, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा? जेड एक्सिस। समझ में आया ना, तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, म्यूचुअल परपेंडिकुलर होते हैं।
चलो ये भी क्वेश्चन मिलेगा आपको बार बार, फिर देखो बोल रहा है हाउ इज द डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर ड्यूरिंग द चार्जिंग, बता सकते हो डिस्प्लेसमेंट करंट कब बनता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस प्लेट्स के बीच में चेंज होता है तो वहां पर करंट बनता है, उसी करंट को हम क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो बोल रहा है ना विद द चेंज इन चार्ज ऑन द कैपेसिटर द इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंजेस, इस प्लेट के पे चार्ज की मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है जिसके वजह से क्या चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और जिसके वजह से डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है प्रोड्यूस होता है, जिसकी वैल्यू होती है आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। क्या ये भी पढ़ाते थे, बताया है? यस सर बताया। देखो जो बताया वही चीज आया है, मैं ऐसा कोई चीज आपको नहीं बताया है जो न आया हो। डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट ऑलरेडी बता चुके हैं, जो वायर के अंदर करंट फ्लो करते रहते हैं उसको बोलते हैं कंडक्शन करंट, और जो फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने की वजह से करंट बनता है उसको क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। बोला तो कंडक्शन करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के फ्लो होने की वजह से जो करंट बनता है उसको बोलते हैं कंडक्शन करंट, लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट इज ड्यू टू द चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। कब आया हुआ है 2020। ये देखो एक डिस्प्लेसमेंट पर करंट पे क्वेश्चन आना था, आएगा ये आएगा कंफर्म, ठीक है, बाकी फिर ईएम वेव पे क्वेश्चन आएगा, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, व्हाई आर इंफ्रारेड रेडिएशंस आर रेफर टू अ हीट वेव, बता सकते हैं आप इंफ्रारेड रेडिएशन को हीट वेव क्यों कहते हैं, क्योंकि उसका सोर्स क्या है फ्रॉम हॉट बॉडीज, हॉट बॉडीज से पैदा होता है इसी वजह से उसको क्या बोलेंगे हीट वेव। तो देखो बोल रहा है इंफ्रारेड प्रोड्यूस बाय द हॉट बॉडीज सो दैट इट इज रेफर्ड एज हीट वेव, जो गर्म चीज से निकल रहा है उसका सोर्स ही अगर गर्म है तो उसको कैसा वेव बोलेंगे, हीट वेव बोलेंगे। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 2013 में ही नहीं अभी बहुत सालों बहुत बार क्वेश्चन आया, बहुत सालों आया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेम द रेडिएशन विच, थोड़ा ध्यान से देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, नेम द रेडिएशन विच आर नेक्स्ट टू दीज रेडिएशन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम Having shorter wavelength। पहले आप क्या करोगे जल्दी बताओ, क्या करोगे पहला काम, गा जरा उल्टा विल्टा इन मिर्ची रेडियो, ऐसे लिख लेंगे। आपको पता है फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी होती है, गामा की, और वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी होती है रेडियो की, तो ये रेडियो वाला बना लेते हैं ऐसे, चलो ये है वेवलेंथ लैम्डा, फ्रिक्वेंसी का लिए उल्टा बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से, ये फ्रीक्वेंसी हो गई म्यू, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है नेम द रेडिएशंस व्हिच आर नेक्स्ट टू दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, कौन सा था इंफ्रारेड को बस पहले अंडरलाइन कर लो, अब इसके बाद का बताना है जिसका वेवलेंथ शॉर्टर हो, वेवलेंथ इससे छोटा वेवलेंथ कौन कौन है, यूवी विजिबल लाइट, यूवी एक्सरेज एंड गामा रेज। तो देखो आंसर होगा कहां पर, कहां गई भाई, इंफ्रारेड के बाद होगा विजिबल लाइट, यूवी एक्सरेज एंड गामा रेस, ठीक है। जब ये देखो बना लोगे ना तो तुरंत तुम्हारा काम बन जाएगा। फिर दूसरा क्या बोल रहा है, लॉन्गर वेवलेंथ, लॉन्गर वेवलेंथ कौन होगा बता सकते हैं आप, बस इसके जस्ट ऊपर वाला कौन कौन से हो गए, माइक्रोवे रेडियो, तो कहां गया माइक्रोवेव एंड रेडियो, इसे पूछ सकता था लॉन्गर फ्रिक्वेंसी शॉर्टर फ्रिक्वेंसी, क्वेश्चन अपने अनुसार घुमाया जा सकता था। तो इसको जल्दी हाथ से आप बना लेना फटाक से, जब भी क्वेश्चन इस टाइप का है अरेंज करना या छोटा बड़ा तो हवा में मत याद करना कि क्या था, रफ कॉपी में बगल में काट करके रफ लिखते हो उसी में फटाक से बना लेना, ठीक है। और ये एरो वाला बना लोगे ना तड़ाक से तुम लगा लोगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, फंसोगे नहीं कहीं। चलो एक क्वेश्चन, हाँ देखो ये बोला ना एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है और इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, कब आया हुआ है एनसीईआरटी लिखा हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी के अलावा भी ये क्वेश्चन बोर्ड में भी मिलेगा आपको देखने के लिए। क्या बोला है, द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ हार्मोनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज बी नॉट की वैल्यू गिवन है कितना 510 नैनो टेस्ला, ठीक है। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ई नॉट पूछा, निकाल सकते हो क्या सी का वैल्यू क्या होता है 3×10⁸, बी नॉट दिया है ई नॉट निकालना है, सॉल्व कर सकता ना, सॉल्व कर लिया आंसर कितना आ जाएगा, समझ में आ गया, हलवा क्वेश्चन है, मैंने बोला ना फॉर्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत हलवा होगा, बस लगाने में गलती मत करना नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब कल ही मैंने बताया था विच ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कब आया हुआ 2018 में, वाटर प्यूरिफिकेशन बताइए,
बताया था आर ओ विथ यूवी, याद आ रहा है कुछ? हाँ, तो किस कौन सा यूज होता है? यूवी रेज। फिर आई सर्जरी, लेजिक आई सर्जरी बताया था क्या, कौन सा होता था? यूवी रेज, याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा? याद आ रहा है, वेरी गुड। वीडियो वाले तुम लोग को याद आ रहा है कि नहीं, तुम लोग को तो बताओ, ये सब तो बोल ही नहीं रहे कुछ। आ रहा है कुछ याद? सर यस सर, बस एक को याद आ रहा है कि और सबको याद आ रहा है? सब तेज बोलो, सुनाई नहीं दे रहा हमको। वेरी गुड, याद सबको आना चाहिए ना, याद आएगा तभी काम बनेगा। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, हाउ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल। वेरी गुड, एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। मतलब पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बना, चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना, इलेक्ट्रिक फील्ड से फिर क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड। याद करो वो जमाना, मैं आपको बताता हूँ एक कहानी। चार्ज रुका था तो कोई टेंशन नहीं है, अगर ये चार्ज मूव करने लगा तो क्या बना? करंट बना। तो यहाँ पे क्या सेटअप हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमको पता अगर किसी में करंट बना तो उससे क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले क्या बनेगा बताओ, जल्दी बताओ, सबसे पहले क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर मैग्नेटिक फील्ड, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर मैग्नेटिक फील्ड। आपस में एनर्जी एक्सचेंज करते जाएंगे, ये ऑक्सीलेट करेगा, क्या प्रोड्यूस होगा? ईएम वेव। देखो क्या बोल रहा है कहानी, सुनो। एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ध्यान देना, ये नहीं कि पहले मैग्नेटिक फील्ड लिख देना, कहानी खत्म, बर्बाद हो जाओगे, ठीक है? एग्जामिनर फोन काटेगा। सबसे पहले क्या प्रोड्यूस करेगा, हमने बताया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड विच प्रोड्यूसेस एन ऑक्सीलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से क्या बना? अब इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, मींस करंट आ गया, करंट बनेगा तभी किसी, अगर पता है किसी कंडक्टर में करंट है तो उसके चारों तरफ क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड। उस वैसी की वजह से ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस कर रहा है? अब मैग्नेटिक फील्ड। फिर विच इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, अब वो मैग्नेटिक फील्ड सेल्फ इंडक्शन करके वापस इस कैपेसिटर को चार्ज करेगा तो फिर से क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर उसी इलेक्ट्रिक फील्ड से वापस से क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड, एंड सो ऑन। ये चलता रहेगा, इस तरीके से क्या प्रोड्यूस होगा? ईएम वेव प्रोड्यूस होगा। बात समझ आ रही है? तो सबसे पहले क्या बनेगा? एक्सीलेटिंग चार्ज पार्टिकल क्या प्रोड्यूस करेगा? ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑक्सीलेटिंग मतलब समझ रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होती रहेगी, ठीक है? और ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगा? ऑक्सीलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब वही मैग्नेटिक फील्ड विच रिजल्ट फिर क्या प्रोड्यूस करेगा? ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर वो ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फिर क्या प्रोड्यूस करेगा? ऑक्सीलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये प्रोसेस क्या होगा? कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, ईएम वेव प्रोड्यूस हो जाएगा। ये क्वेश्चन बोर्ड में रिपीटेड है, ये क्वेश्चन बोर्ड में रिपीटेड है, मैं चाहूंगा कि आप इसको लिखिए, मैं चाहूंगा कि लिखिए, बहुत बार रिपीटेड होगा। अभी देखिएगा क्या बोल रहा है, कंसिडर एंड इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, विच वन मोर इजली ऑब्जर्व जस्टिफाई योर आंसर। बताओ सबसे पहले क्या होगा? मैंने क्या बताया था अभी, सबसे पहले क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा? बस तो आंसर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इजली ऑब्जर्व, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज आसानी से आपको नजर आएगा एज कम्पेयर टू मैग्नेटिक फील्ड। जैसा कि अभी समझाया, सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड है, एनसीईआरटी, देखो वही वाला क्वेश्चन है, ई नॉट बी नॉट, अभी सेम क्वेश्चन हम लोगों ने लगाया, लगाया ना, वेरी गुड, एनसीईआरटी है तो थोड़ा बहुत एनसीईआरटी लगा लीजिएगा, मन करे तो, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, कोई टेंशन नहीं लेना, इसमें सैंपल पेपर ही लगाइएगा। फिर बोल रहे थे कि राइट द जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन फॉर एक्सप्रेशन फॉर एम्पियर सर्किट लॉ इन टर्म्स ऑफ कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। याद है, बताया था ना, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू था म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई सी प्लस आई डी, और आई डी का फॉर्मूला लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। समझ में आया? यस नो? तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई सी प्लस आई डी की जगह होगा एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? कराएं क्या? यस सर। हाँ प्लीज, बात नहीं, ध्यान दें। फिर बोल रहा है, मेंशन द सिचुएशन व्हेन देयर इज ओनली कंडक्शन करंट एंड नो डिस्प्लेसमेंट करंट। बताएंगे कंडक्शन करंट कब होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट कब नहीं होगा? कंडक्शन करंट कहाँ होगा? वायर में, है ना? कंडक्शन करंट होगा वहां, डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होगा। लेकिन कहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट होगा, कंडक्शन करंट नहीं होगा? कैपेसिटर प्लेट के बीच में जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता रहेगा या इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तो वहां पे क्या होगा?
डिस्प्लेसमेंट करंट होगा लेकिन कंडक्शन करंट नहीं होगा, वही बात को बोल रहा होगा, ठीक है। तो कोई यहां पे दे रहा है, लिख भी दिया है, इन केस ऑफ स्टेडी इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेडी, स्टेडी मतलब चेंज नहीं हो रहा, एकदम बराबर जा रहा है, तो उस केस में कंडक्शन करंट होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होगा, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं चेंज होगा, जब तक इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तब तक डिस्प्लेसमेंट करंट की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि नहीं। तो ये बोला है, इन केस ऑफ स्टेडी इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ कंडक्टिंग वायर द इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट चेंज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, चेंज नहीं कर रहा है, उस केस में कंडक्शन करंट एग्जिस्ट करेगा इन द वायर बट डिस्प्लेसमेंट करंट भी जीरो, ठीक है। सेकंड केस, किस केस में डिस्प्लेसमेंट करंट होगा, अब समझ में आ गया होगा, इन अ लार्ज रीजन ऑफ स्पेस वेयर देयर इज नो कंडक्शन करंट बट देयर इज ओनली अ डिस्प्लेसमेंट करंट ड्यू टू टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होना समय के साथ साथ, यही बोला, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होना टाइम के साथ साथ, तभी वहां पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट होगा बट कंडक्शन करंट। समझ में आ गया, क्वेश्चन तो आपको बहुत बार बताया है, बोला था कि रिपीट भी करेगा अभी इससे पहले और मैं लिखवाए आपसे। फिर देखो, फिर वही आ गया एकदम सेम क्वेश्चन, अभी आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होता है बताया था ना, सबसे पहले चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, एक्सेलेटेड चार्ज पार्टिकल जब ऑक्सीलेट करेगा तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या बनेगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, फिर ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगा, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होगा। ये क्वेश्चन अभी लिखा है कि नहीं लिखा आपने, लिखवा दिया इसी वजह से कि बार बार ये रिपीट होगा, देख लीजिएगा। फिर ये क्वेश्चन भी मैंने बताया था कि देखो डायग्राम बनाने के लिए आएगा, बताया था ना, अब बोला स्केच द सिस्टमेटिक डायग्राम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन ईएम वेव प्रोपोगेटिंग अलोंग जेड डायरेक्शन, ये वेव किधर की ओर जा रहा है, जेड की तरफ जा रहा है, तो एक्स की तरफ क्या जाएगा बताओ, ई जाएगा, सबसे पहले ई से स्टार्ट करेंगे, याद रखना ई से, उसके बाद बी बात करेंगे, तो जो पहले आता है एक्स वाई ए बी सी डी में सबसे पहले क्या आता है, एक्स फिर वाई फिर जेड, अगर जेड की तरफ वेव जा रहा है तो एक्स की तरफ ई जाएगा और वाई की तरफ बी जाएगा, बात समझ आ रही है, अगर इस क्वेश्चन में बोलते हैं एक्स वाई जेड, अगर इधर वेव जा रहा हो तो बताओ ई किधर जाता, एक्स की तरफ ई जाता जेड की तरफ बी जाता, मेरी बात समझ में आ रही है क्या, अगर मैं बोलूं एक्स वाई जेड एक्स की तरफ वेव जा रहा है तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाता, ई वाई की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड और जेड की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, समझ में आ गया ना, सिक्वेंस वाइज में आप लेके जाएंगे, अपने मन से किसी को मत कर दीजिएगा, कर सकते हैं लेकिन करिएगा मत, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है लेकिन करिएगा मत। देखो यहां पे भी x की तरफ e और y की तरफ b, फिर देखो नेक्स्ट सेम उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया, एन em वेव इज ट्रेवलिंग इन अ मीडियम विद अ वेलोसिटी v i कैप, i कैप मतलब किधर ट्रेवल कर रहा है, x हाँ z, अरे मूरखदास ये i कैप क्या है तूने बताया, तो ये है क्या i कैप, एक यूनिट वेक्टर है जो किस एक्सिस की तरफ काम करता है, एक्स, इसका मतलब वेलोसिटी किधर की ओर है, हाँ अब ये एक्स की तरफ आपके पास वेलोसिटी जा रही है तो बताओ वाई की तरफ और जेड की तरफ क्या जाएगा, वाई की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड और जेड की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जाना चाहिए क्या, देखो वाई की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है ऊपर को और ये लेटा हुआ है जेड की तरफ, देखो ये डायरेक्शन में जेड की तरफ घुमा हुआ है, दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड, समझ में आ रहा है क्या, यस नो, एकदम परफेक्ट बनेगा, कोई एग्जामिनर काट ही नहीं सकता अगर ये कॉन्सेप्ट यूज किया हो तो, नहीं तो फिर काटने वाले तो बहुत सारे एक्सक्यूज निकाल के काट पीट मचा लेंगे तुम्हारे पास, ठीक है। अब ये बोल रहा है हाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड रिलेटेड टू द वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव, बताए है ना, बताओ जल्दी से फॉर्मूला क्या बताए थे, सी इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन बी नॉट बताया था क्या, अभी हमने कहा था कि पहला लिख लो रिपीट करेगा तो मारेंगे, पहले ई आता है खोपड़ी में घुसा लो, पहले ई उसके बाद बी, अपने मन से कुछ मत लिख के चले आना उल्टा सीधा, पहले ई फिर बी, ऑक्सीलेट करेगा भी तो पहले ई भी फिर बी, पहले ही ई चल रहा है हो जाता है, मारेंगे दांत टूट के पेट में घुस जाएगा। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, पेट में से दांत का पेड़ निकलेगा दंत वृक्ष,
पहले सुने हो ना, पहले पापा लोग क्या कहते थे, मम्मी पापा लोग, कि वो जैसे कोई चीज खाते थे, किसी का बिया पेट में चला जाता था तो कहते थे पेड़ निकली उसका। हम अरे जैसे वो वाटरमेलन ना, पहले लोग एक एक बिया निकाल निकाल के हम खाते थे, बचपन मुझे भी याद है। वो कहते थे कि अगर बिया चला गया पेट में तो पेट में से तुम्हारा वाटरमेलन निकलेगा बाहर पूरा दम चारों तरफ, सेब का बिया। हाँ बड़ा सही बच्चे हैं सर, मतलब तुम लोग के बचपन भी वैसे ही गुजरा है। ठीक है, क्या हुआ? एक अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग देखेंगे। Which of the following electromagnetic wave has minimum wavelength? आप बताइए, यहां पर दिया हुआ कुछ, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, गामा रेज, एक्सरेज, मिनिमम किसका होगा? गामा, मिनिमम वेव गामा, एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी रेडियस में है क्या? अपने मन से हवा में नहीं बोलना है, क्वेश्चन देख करके क्या होगा? माइक्रो, तो ये हो गया माइक्रो। राइट वन यूजेस ऑफ ईच ऑफ द टू वेव, उनका एक एक यूज लिखना, लिख सकते हैं। ये कहाँ यूज होता है? कैंसर के ट्रीटमेंट में। और माइक्रोवेव कहाँ यूज होता है? माइक्रोवेव ओवन में, रडार सिस्टम में, एयरक्राफ्ट नेविगेशन सिस्टम में, एंड सो ऑन, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, देखो नंबर कैसे मिला है, आधा नंबर इस पे, दो नंबर क्वेश्चन था तो आधा नंबर इस पे, आधा नंबर इस पे, फिर आधा नंबर एक यूज पे, आधा नंबर एक यूज पे, दो नंबर मिल गया। मास का डिस्ट्रीब्यूशन भी आप लोग देख सकते हो कैसे किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, बहुत हलवा सा क्वेश्चन है, आप लोग तो बता ही सकते हैं। हाउ इंफ्रारेड प्रोड्यूस, इंफ्रारेड कैसे प्रोड्यूस होता है? फ्रॉम हॉट बॉडीज ना, इंफ्रारेड प्रोड्यूस फ्रॉम हॉट बॉडीज मॉलिक्यूल्स। राइट वन इंपॉर्टेंट यूज इंफ्रारेड का, यूज बताओ। नाइट विजन डिवाइसेस, रिमोट कंट्रोल, मेकिंग द अर्थ वार्म, और कुकर। अरे तुम्हारा कुकर निकाल देंगे हम, अपने मन से कहीं भी बोल दे रहे हैं देख देख करके। इसको मत देख के बोलो, अपने से बोलो, हाँ ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर स्ट्रेन, वेरी गुड। वो भी लिखा है क्या? अच्छा वेरी गुड, खुश रहो। अच्छा अगला अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज ध्यान दें। द थिन ओजोन लेयर ऑन द टॉप ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर इज क्रूशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, व्हाई? बताया था क्या? ओजोन लेयर क्या कर रहा था? वो यूवी रेज को अर्थ तक आने नहीं दे रहा था, प्रोटेक्शन का काम कर रहा था। ठीक है, तो वही बोला ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज। आगे बढ़ते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, दिमाग हलवा हलवा क्वेश्चन है, दिमाग खराब करने वाला क्वेश्चन है। विच सेगमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, बताएं। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी गामा, पहलवा देख के मत बोलो गामा। हाउ दीज वेव आर प्रोड्यूस, कैसे ये प्रोड्यूस होता है? हाँ फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्शन ना, फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्शन। Give one use of these waves, ये बार बार पूछा गया है, इन कैंसर ट्रीटमेंट ना, कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। अच्छा नेक्स्ट, विच ईएम वेव लाइज नियर द हाई फ्रिक्वेंसी एंड ऑफ विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बड़ा अच्छा बोला कि विजिबल लाइट के नजदीक जिसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा हो, विजिबल से ज्यादा हो, कौन सा ईएम वेव आएगा? यूवी, याद आ रहा है कुछ? तो यूवी रेज। अब क्या बोल रहा है? Give its one use, UV का use बताओ, UV का पूछ रहे हैं, in eye surgery और to kill the bacteria used as a sterilizing agent, याद आ रहा कुछ कुछ? हाँ तो याद कर लो, देखो इसका use क्या है, they are used to sterilize drinking water, अर्थ drinking water को bacteria को kill करने के काम में आता है, surgical instrument को sterilize करने के काम आता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, है ना? फिर क्या बोल रहा है? In what way these component of light are harmful effect on human? अगर direct UV rays हमारे skin पे पड़े तो skin problem हो सकती है, skin diseases हो सकती है ना, skin cancer वगैरह भी हो जाता है। तो ये बोल रहा है एक्सपोजर ऑफ यूवी रेडिएशन इंड्यूसेस द प्रोडक्शन ऑफ मोर
मेलानिन। अब देखो ये बायो का टर्म है, बायो वाले बच्चे अच्छा जानते हैं। मेलानिन क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा क्या क्या करता है? हाँ बायो वाले कुछ बोले, हम जानना चाहते हैं। मेलानिन कलर डिफाइन करता है ना, वो काला कर देगा। तुम बोलते देखो कभी धूप में गर्मी के दिनों से आते हो तो लंबा बाइक वाइक चला के आओ, मतलब यहाँ से बनारस चल जाओ, एकदम चिलचिलाती हुई धूप है, चकचकाता हुआ, उसमें तुम बाइक से बनारस चले जाओ, आओगे तो करिया हो जाते हो। देखोगे बोलना नहीं चाहिए, जो लड़कियां होती है पता नहीं अजीब टाइप का ग्लव्स पहनते, लंबा लंबा हाथ वाला, कि स्किन काला ना हो भाई बेज्जती हो जाएगी, ऐसा कुछ होता रहेगा ना। हाँ सो वो स्किन प्रोटेक्टर, या कुछ लोग क्या होते हैं आपने देखा होगा, एविडेंस सुन ले, इधर हम बता रहे कुछ बतियाए जा रहे हो तुम। हाँ हाँ कुछ लोग क्या करते हैं, सनस्क्रीन लगाते हैं ना। सनस्क्रीन क्या काम करता है, वो डायरेक्ट जो यूवी रेज आती हैं या जो यूवी के कुछ सम पार्ट्स आते हैं वो उससे स्किन जो बर्न होता है उसको वो रोकता है। देखा होगा क्रिकेटर खेलते हैं सब, तो ऐसे ऐसे मुंह में पोत लेते हैं सब, स्टाइल स्टाइल में, कोई ऐसे स्टाइल में, कोई ऐसे स्टाइल में, अलग अलग स्टाइल पोत करके बैठे रहते हैं ना। क्यों ऐसा पोतते हैं भाई, वो भी चाहते हैं कि हम करिया ना दिखाई दें, बेइज्जती ना हो, उनको ढेर सारा ऐड करना होता है, प्रचार करना होता है, तो करिया हो जाएंगे तो फिर फाउंडेशन और फाउंडेशन क्या क्या पोता जाता है, वो पोतने के बाद बेचारे गोरे होंगे, है ना। तो स्किन टैनिंग और इन सब चीज से बचने का काम होता है कि इससे उनका सेफ्टी रहेगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगा स्किन प्रॉब्लम से बचना। कभी कभी तो आप सीधा सीधा कह सकते हो कि स्किन कैंसर भी होने का चांस होता है अगर डायरेक्ट यूवी रेज आपके स्क्रीन पर पड़ने लगे, ठीक है। इसी वजह से कभी कभी आपने सुना होगा पापा लोग कहते हैं, मम्मी लोग कहती हैं, चाचा लोग कहते हैं, चाची लोग कहती हैं, मामा लोग कहते हैं, मामी लोग कहती हैं, पापा लोग कहते हैं, पापी लोग कहते हैं, क्या कहते हैं क्या कहते हैं क्या कहते हैं क्या कहते हैं बताओ। जब नहीं धूप में तो निकलो ना, धूप में निकलो उससे कोई मतलब नहीं ना। सुनो ना, कहने क्या है कि जब कभी देखा होगा सुना होगा सूर्य ग्रहण होता है तो लोग कहते हैं कि बाहर ना निकले, बाहर निकलने से बचे, क्योंकि जब सोलर इक्लिप्स होता है उस केस में ज्यादा से ज्यादा यूवी रेज का चांस होता है अर्थ तक आने का, है ना। वो जो लेयर होता है प्रोटेक्ट तो करता है लेकिन कुछ को छोड़ भी देता है कि जाओ भाई तुम भी अपनी जिंदगी जी लो, अर्थ पे थोड़ा सा मजा लेके आओ, है ना। तो इसी वजह से डायरेक्ट सुना होगा कि डायरेक्ट बोला जाता है, अब इसके पीछे सच्चाई आप लोग भी जानते हैं, कि जब सोलर इक्लिप्स होता है तो डायरेक्ट नंगी आंखों से सूर्य को नहीं देखना चाहिए। सुना है क्या, है ना। वो किसे देखते हैं हम लोग, याद है कभी, वो या तो एक स्पेशल चश्मा आता है या फिर वो एक्सरे वाला जो फिल्म होता है उससे हम लोग देखते हैं, है ना। वो यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, सीधी सी बात।